एतिमान चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं मनप्रीत सिमी कर दी निघा स्वागत। होर बतेरे जानकारी दे लई बने रहो साडे चैनल दे नाल। केंद्र सरकार वालों जो तीन काले कानून पास किए गए हैं, इसी दौरान दिल्ली विखे पिछले 6 महीनों तो किसानी संघर्ष चल रहा है। आज 26 मई नूं पूरे विश्व विच काला दिवस मनाया गया, सो कुराली शहर विच भी वख-वख किसान मजदूर जथेबंदियों वालों आते लोक हित मिशन वालों काले कपड़े पा के कालियां झंडियां लैके पूरे शहर विच पैदल मार्च करदे काला दिवस मनाया गया। आओ वधेरे जानकारी वेखण दे लई बने रहो साडे एतिमान चैनल दे नाल। सो एतिमान चैनल देख रहे सारे दर्शकों को मेरे वाले यानी मनप्रीत सिमी वालों प्यार सत श्री अकाल। सो सब जानते हैं कि किसानी संघर्ष 26 नवंबर में शुरुआत हुई थी इस किसानी संघर्ष की। सो अज जड़े है 26 मई है, अज 6 महीने गुजर चुके हैं इस लंबे संघर्ष में। सो लोगों वालों जोड़ा है काफ़ी तरह के प्रदर्शन जोड़े कर मिले हैं। सो 26 मई में भी काले दिवस के जोड़ा कॉल बंद का भारत का जोड़ा आया से वह भी लोगों वालों काफ़ी जोड़ा समर्थन दिता गया। तुसी देखिया सी कि पूरियां दुकानां पूर्ण तौर पर बंद कीतियां गईयां सी। सो अज फिर काले दिवस के रूप के जोड़ा है 26 मई मनाया जा रहा। सो साडे नाल किसान आगू ने उन्हां दे नाल गल करदे आ। सो सत श्री अकाल सर, सर की कहना चाहते हो जो अज काले दिवस के रूप के जी 26 मई है किसानों वालों मनाई जा रही है? किसान ही नहीं बल्कि हर वर्ग का लोग जरा शामिल है। सत श्री अकाल जी, ये जिहड़ा अज काला दिन मनाया जा रहा है, देखो पिछले 7.5 महीने तो लगभग लोग पहला इतने पंजाब धरने चल रहे थी, मतलब दिल्ली गया अज 6 महीने पूरे हो गए। मतलब सरकार को जगाने लिए यह काला दिन मनाया जा रहा, ता कि हुण पिछले 26 जनवरी तो पहला जिहड़ियां मीटिंगां हो रही उस तो बाद इन्हां ने कोई मीटिंग का सद्दा भी सरकार ने नहीं दिता, लेकिन किसानों ने वो सद्दा दिता, हाले तक उहदी भी कोई रिस्पोंस नहीं है। सो ये सारिया चीज़ों नूं देखदे हुए अज यह जिहड़ा काला दिन मनाया जा रहा, एक संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला है। उस फैसले नूं पंजाब विच हरियाणे विच सारे हिंदुस्तान विच इहनूं जंगी पद्धर से मनाया जा रहा, ता जो इस सरकार नूं दस्या जावे भी जो पंजाब क्या हरियाणा क्या सारा हिंदुस्तान सारे वर्ग ना कि कल्ले किसान, उसके मजदूर भी दुकानदार भी छोटे व्यापारी सारे उस चीज़ के खिलाफ हैं। अज सारा मतलब हिंदुस्तान इस चीज़ को मना रहा काले दिवस के तौर। सो देखिया गया सी थोड़े दिन पहला जी हरियाणा के जी काफ़ी तशद्दत जी किसानों के उत्ते ढाई गई थी, वो बारे की कहना चाहते हो? काफ़ी किसानों के जोड़े परचे भी दाखिल हुए थे। देखो जिहड़े वो किसानों के परचे करे हैं वो धक्का कर रही है सरकार हरियाणा की खट्टर सरकार, असी उसकी निखेधी भी करते हैं, लेकिन वो मतलब उत्थे जो किसानों ने फिर उन्होंने धरना उन्होंने खिलाफ़ लाया तो कल उन्होंने माफ़ी मंगी है सरकार ने, उसके जो सरकार किसानों का नुकसान होया उसकी भरपाई वास्ते मने तो जिन्हें भी परचे वो सारे उन्होंने रद्द करे। उन्होंने वालों यह भी कहा गया कि जो पुलिस कर्मचारियों वालों जो किए गए ने परचे उन्होंने खिलाफ भी परचे किए जा, क्योंकि उन्होंने कोई हक नहीं बनता जो प्रदर्शन करते लोगों के हक ने। देखो ये मनुखी अधिकारों की उलंघना है, जो जी पुलिस है वो राखी करने वास्ते ना कि लोगों को कुटने वास्ते, जोड़े बंद यहाँ तसद्दत करते हैं उन्होंने परचे बनते ही हैं, ये होना ही चाहिए उन्होंने पर जो जिन्होंने किसानों धक्का कराया उन्होंने बिल्कुल परचे बनते हैं। सब 6 महीने हो चुके हैं किसानी संघर्ष में, सो जो अज के मौजूदा हालात ने कोरोना देखते हुए तुम की कहना चाहते हो उन्होंने बारे? देखो ये सरकार दियां नलायकियां, पिछले साल करोना आया जब इन्हें पता भी दूजी लहर कही जाने तीजी लहर भी आनी है, फिर जो दूजी लहर आने का इन्होंने की इंतजाम किया, यह पिछे नालों भी ज़्यादा नुकसान होया, कोई इन्होंने वेंटीलेटर का इंतजाम नहीं करया। कोई देखो ये कदे हो सकता भी ऑक्सीजन ना मिले हॉस्पिटलों, जिहड़े वेंटीलेटर आए इन्होंने सरकारी तौर पर आए वो प्राइवेट हॉस्पिटलों के 45,000 तो लेके 90,000 रुपये तक एक एक दिन का लै रहे हैं, वो लोगों को मारन वास्ते मतलब हस्पताल बनाए कि लोगों को जीण वास्ते। सो ये जिहड़ियां सारियां चीज़ां ये सरकारां दी नलैकी है, असीं इन्हां दी निखेधी करते हैं भी जो ए मतलब 70 साल में इन्हां ते हुण तक अपने कोल हस्पताल नहीं बना होए, वेंटीलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बड़े दुख की गल है जी। सो जी पंजाब सरकार उन्होंने वालों भी अपनी गाइडलाइनस जारी की गई सी कि वो जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं धरने ला रहे हैं उन्होंने अपील की गई सी कि वो बंद कर दें कोरोना महामारी को देखते हुए, उन्होंने बारे की कहना चाहते हैं? देखो जो लोग अपने संघर्ष कर रहे हैं अपने हकों लिए लड़ रहे हैं उन्होंने तो कहते बंद कर दो, ये रोज़ कित ना कि रैलियां कर रहे हैं उन्होंने वो ज़्यादा जरूरी है, ये लोग तो अपने हकों लिए लड़ रहे हैं अपने हकों लिए मर रहे हैं, लेकिन यह तो ड्रामेबाजी करते हैं अपनी ड्रामेबाजी छड़न लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं, इन्हों का काम है दवाई इन्हों को नहीं है, वैक्सीन वैक्सीन सेंटर लोग जाने खाली मुड़े आने आखिर दवाई नहीं जी। हाँ
जी काफ़ी दिन हो गए शहर कुराली के हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन जी लगनी बंद हो गई, अमूमन एक हफ्ते तो उपर हो गया। सारी यही हाल है मैडम, कुराली भी मतलब इतने थोड़े बूथगढ़ भी आले दुआले भी जिसे आप लोकल देखते हैं सारे पास यही हाल है, कोई एक जगह नहीं सारे पास जो दवाई आऊ ता ही लगू ना, दवाई है नहीं सरकार को। सर रविंदर सिंह वजीरपुरिया जी साढ़े नाल मौजूद ने, इन्हां नाल गलबात करते हैं। सो सर तुसी की कहना चाहते हो? देखो जी कहना तो यही है कि अन्नी तो बोली सरकार हो चुकी है, जिहड़ा अन्नदाता है जिस दे सारे पूरा संसार चल रहा है, अज उस दे नाल भी धक्का किया जा रहा है, साडा पिता पुरखी किता खोया जा रहा है, पूरे छे महीने अज एक नागरिक अन्नदाता देश का किरती और राजधानी के नेड़े बैठा होवे अपने हकों के लिए पर सरकार सुती पई है। सो अज काला दिवस मनाया जा रहा है जिसनों लैके ये सरकार दे मूँह दे उत्ते काला धब्बा है, पूरे विश्व दे विच इसकी आवाज़ जाएगी कि किमें अपने किरतियां भी हक नहीं दे रही, फिर ऐसे राजे नू गद्दी दे उत्ते रहन दा कोई हक नहीं, असी लड़ांगे मरांगे पर अपने हक नहीं छड़ांगे, आखिर दे तक असी अपने हक जो है लेके रहांगे, नहीं इस तो बिना तो पूरे जिहड़ी देश की संसार की होंद खतरे विच पै जाएगी, इसलिए सारे लिए बंगार है। सर इस किसानी संघर्ष नूं सर देखण नूं मिलदा है कि सिर्फ किसान ही नहीं, इहदे नाल हर वर्ग के हर किते के लोग शामिल ने, पर हाले भी जिहड़ियां सरकारां वो कोई सेध नहीं दे रहियां, कोई भी उन्हां वल्लों जिहड़ा फैसला नहीं लिता जा रहा। बिल्कुल जी मैं तां ही कह रहा कि पूरे संसार का तां ही बन चुका है कि खेती के नाल हर एक दा हित जुड़े ने, ये हर एक दे नाल मसला जुड़ चुका है, तो हर वर्ग इस दे नाल जुड़ चुका है, जे सरकार नहीं जाग रही जागना पवेगा साडा जाके संघर्ष उदों खत्म हो जाएगा जदों तक नहीं सरकार जागदी, नहीं तो फिर इनू गद्दी ते ला देंगे। अज ये किरती इकट्ठे होकर पंजाब ने बागडोर संभाली है, तो पूरा विश्व अज इकत्र होया है, पूरे हिंदुस्तान अज लड़ रहा है, उत्थे इकट्ठे होकर हक लैके रहांगे जरूर, ये तुहाडे सामने इतिहास का जो दिन है वह प्रगट होकर रहेगा। तो सत श्री अकाल सर, सर की कहना चाहते हो जरा किसानी अज रोस मार्च कढ़िया जा रहा बारे? मैडम असी अज सानू छे महीने पूरे हो गए दिल्ली धरनिया से बैठिया, वो तो पहला भी दो महीने लगभग असी टोल प्लाजिया से बैठे रहे, हाल तक अन्नी बोली सरकार के कारण तो जू नहीं सकते, ये जो कानून है जिवें हुण करोना है, मैं मैनू लगता भी शायद असी करोना तो बच जाइए, पर जे कानून पास हो गए तो फिर बचण दा हरेक कोई किसान है मजदूर है दुकानदार है जो अज जिवें वैक्सीन नहीं मिलती उवें अन्न भी नहीं मिलता, हालात ये ने। सर जिवें देखण नूं मिलदा कि किसानां नूं हर बार यही कहा जांदा कि तुसीं अपना प्रदर्शन जिहड़ा हैगा उहनूं रोक दो बंद कर दो, करोना महामारी दे चलन जाण तों बाद जिहड़ा हैगा तुसीं अपने प्रदर्शन नूं जारी रख सकदे हो, उहदे बारे की कहना चाहुंदे हो? किते ना किते सरकारां दी कोई चाल नज़र आउंदी इहदे विच? बिल्कुल जी बिल्कुल, देखो कोविड-19 च आया सी ते इंडिया विच मार्च च लॉकडाउन हो गया सी ते उह तों बाद अज मई चल पई, इन्हां ने कोई प्रबंध नहीं कीता, जदों कोई भी डैथ होंदी है कोई एक्सीडेंट होंदी है वह भी करोना च पा देंदे ने, जदों इन्हां दा दिल करदा अंकड़े वधा देंदे ने, हुण कह रहे जी घट घट गए, हुण कहिंदे ने सितंबर च नवीं लहर आ जाऊ, कुदरत दा की पता हुंदा, ये पहलां ही अपनियां स्टेटमेंट्स दई जांदे ने। तो सर काफ़ी जिहड़े हैगे उत्थे बजुर्गां दी नौजवानां दी जिहड़ी मौत होई सी किसानी संघर्ष दे विच, उहनां दी शहीदी नूं अमूमन लोकां ने शहीदी दा जिहड़ा नाम दित्ता सी क्योंकि इह संघर्ष ही इस तरह दा सीगा कि शहीदी नाम देना जरूरी बणदा सीगा, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਮੂਮਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ 96% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੈ, ਤੋਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਦਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮਹਿਮਾ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੱਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੜਿਆਲਾ। ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਆਏ ਕਿਸਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਅਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਵੇ ਕਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੂੰਗੇ ਜੀ।
नगे पैरियों फिरूंगे सारे जे तो दिल्ली जाना पवे। तुसी देख सकते हो साढ़े पिछे लाइव तस्वीर शहर कुराली की मेन मार्केट के इन वालों जोड़ा रोस मार्च है चंडीगढ़ रोड तो यह शुरू किया सो अजे बाजार के पहुँच गया है। सो तुसी देख रहे हो काफ़ी लोग जोड़े गिनती देना दे जुड़े हुए हैं। सो पुलिस प्रशासन के जोड़े कर्मचारी ने वह भी मुस्तैदी के नाल अपनी जी है ड्यूटी करते हुए नज़र आ रहे हैं। देख रहे हो इन वालों नारे लाए जा रहे हैं सरकार के प्रति जड़ा अड़ियल रुपया रवैया सरकार वालों अपनाया गया। सो उन्हें वालों काफ़ी रोस जरा देखने मिल रहा है। अमूमन 6 महीनों का जरा समा गुजर चुके इस किसानी अंदोलन सो काफ़ी लंबा अरसा गुजर चुकया। सो लोगों ने काफ़ी जोड़े लोग बजुर्ग से उन्होंने वालों जड़िया शहीदियां भी इस संघर्ष के होईयां ने सो उन्होंने लेके काफ़ी गुस्सा पर फिर भी बहुत शांतमई तरीके दे नाल जिहड़ा ये किसानी संघर्ष है ये जारी किया जा रहा है। सो तुसी देख रहे हो काफ़ी लंबी गिणती दे विच जिहड़ी हैगी है इत्थे किसान पहुंचे ने। सो साडे नाल मौजूद ने वो दुकानदार जो कुराली शहर दे विच इन्हां दी दुकान है तुसी देख सकते हो असीं मार्केट दे विच पहुंच गए हैं। सो जिहड़ा किसानी अंदोलन है वो पैदल अज जो रोस मार्च उन्होंने वालों कढ़िया जा रहा है सो वो बारे तुम की कहना चाहते हो? अभी तो यही कहना चाहते हैं जी जो सरकार कर रही है जी कानून रद्द नहीं कर रही भी ये एंटी जो भी काम हो रहा बहुत वधिया हो रहा है जी किसान वधिया कर रहे हैं जी काम जो कर रहे हैं असं भी उन्होंने नाल है जी बिल्कुल नाल है जी 24 घंटे नाल है जी। सो जिमें देखने मिलता है कि इकट्ठ नहीं करना या करोना लैके तुम्हें कोई इस तरह का डर है किसानों के जिमें संघर्ष कर रहे हैं? किसान बिल्कुल इन्होंने डरते नहीं किसाना किसानों पर करोना जो डर है जी वो पाया जा रहा है जी किसान बिल्कुल निडर होकर अपना धरना जारी रख रहे हैं जी। तो तुम देख रहे हो दुकानदार इन्होंने वालों कहना कि पूर्ण तौर पर जोड़ा है किसानी संघर्ष में अपना समर्थन करते हैं। सो इन्हों है कि करोना लैके जोड़ा गाइडलाइनस फैलाई जा रही ने वह इन्हों नहीं वो कर रहे भी किसानों सिर्फ इन्हों का मुद्दा यही है कि किसानों के नाल खड़ना है। तो तुसी देख रहे हो जिहड़ा अज किसानी रोस मार्च कढ़िया जा रहा है जिहड़े बहुत ही घट उम्र के जिहड़े बच्चे ने वह भी शामिल हो रहे हैं जिथे बजुर्ग बजुर्गों के नाल यंग यूथ बजुर्ग औरतां ते ये बच्चे भी शामिल होए ने इन्हां नाल गलबात करदे आ। बच्चों की कहना चाहते हो तुसी? असीं तां मोदी सरकार नूं यही अपील करते हैं कि जो 3 काले कानून है वो रद्द किए जाने। असीं भी यही गल कहना चाहते जी। सो तुसी बच्चे तुसी कुछ कहना चाहते हो अज दी जिहड़ी मौजूदा सरकार ने उन्हां नूं? अज की मौजूदा सरकार है जी बहुत घटिया है बहुत मूर्ख सरकार है जी। सो तुसी जिहड़े किसानी संघर्ष नूं की कहना चाहते हो जिहड़े किसानी वीर इत्थे पहुंचे ने उन्हां नूं की कहना चाहते हो? असीं उन्हां नूं यही कहना चाहते हैं कि जो भी होर जाने नूं जोड़े हो रहे तां कि संघर्ष वधे। सो देखो ये बच्चों का जज्बा देखो बच्चों का हौसला देखो कि इन्हां दा कहना कि होर भी लोग इत्थे पहुंचण कि इस किसानी संघर्ष नूं अपना होर भी साथ देण ताकि इस संघर्ष होर भी मजबूत हो सके। कितों आए हो जी तुसी? इस लैंपर करां तो जी। सो तुसी किसानी संघर्ष बारे की कहना चाहते हो? किसानी संघर्ष बारे असं यह कहना चाहते हैं जी ये सानू 6 महीने हो गए दिल्ली बैठे नूं सरकार कोई नहीं सुन रही मोदी सरकार तो जीवनी फर्क रही तो अज असी जो ये काले झंडे दिखा रहे हैं सारे शहर वीर भी जगा रहे हैं इन्नी बेनती है होर वीर भी ये दिल्ली वध तो वध ये अपना संघर्ष करो। निरंतर मोदी निरंतर मोदी केंद्र सरकार केंद्र सरकार भाजी गिनती जड़े किसान इतने पहुंचे हुए ने मोदी का पुतला जरा देख रहे हो यह फूकिया जा रहा है। सो अमूमन काफ़ी लंबा कद का जरा है मोदी का पुतला इतने फूकिया जा रहा है। सो किसानी संघर्ष जो तक इन्हों का कहना कि जो तक ये उदों तक जारी रहेगा जो तक कि ये काले कानून वापस नहीं लिते जाते। सो बने रहो होर वधेरे जानकारी के लिए साडे तिमान चैनल। देख रहे हो किसानों वालों नारेबाजी की जा रही है मोदी सरकार के खिलाफ इन्होंने वालों 3 काले कानून वापस लेने के लिए सरकार को अपील लगाई जा रही है गुहार लगाई जा रही है। सो काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है किसानी अंदोलन चलते हुए।